नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठन। आए दिन हो रहे मवेशियों के अवैध परिवहन को ध्यान में रखकर जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीय द्वारा दिए गए कड़े निर्देशन पर विगत कुछ माह से जिले की कई पुलिस थाने की थाना प्रभारियों एवं पुलिस कर्मियों द्वारा अवैधानिक रूप से परिवहन कर रहे मवेशियों के ट्रकों एवं कंटेनर रोको जबकि बनाया जा रहा है। पुलिस थाना लखनादौन कुल ई बाराघाट इत्यादि के थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में ट्रकों एवं कंटेनर को अवैध रूप से परिवहन कर रहे मवेशियों से भरे ट्रक और कंटेनर दोनों को मुखबिर की सूचना पर जब्त किया जा रहा है। NH 44 एवं नरसिंहपुर से बालाघाट एवं जबलपुर पुलिस को चकमा देकर मवेशियों का परिवहन महाराज स्थित नागपुर हकीकत कानौता पहुंचाया जाता है। ये कार्य विगत 10 वर्षों पूर्व से चल रहा है, किंतु आश्चर्य का विषय यह है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच चेकपोस्ट महाराष्ट्र बॉर्डर का एवं मध्य प्रदेश बॉर्डर का इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये एक आश्चर्य का विषय है। अवैध रूप से हो रहा है निरंतर परिवहन में जयपुर में तैनात कर्मचारी एवं अधिकारियों की मिलीभगत होना संभव है, क्योंकि परिवहन की पूरी जानकारी जयपुर में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रहती है। इसके बावजूद परिवहन किया जाना निरंतर जारी है। इसमें उच्च अधिकारी एवं जिला प्रशासन भी अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो समूचे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।